लड्डू गोपाल का भोग। अनु मुझे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया, मैं यूं गई और यूं वापस आई। इतनी भाग दौड़ करने की क्या जरूरत है, बहू को तो मिल लिया, फिर कभी आराम से आना। फिर कभी क्यों, मैं तो अभी वापस आऊंगी, क्योंकि आपको मेरा यहाँ आना पसंद आए या ना आए, लेकिन मुझे आपके पास आना बहुत पसंद है। हमें भी तुम्हारा यहाँ आना बहुत पसंद है बेटा, या जाकर फटाफट जाकर आ। ये हम में ना मेरी गिनती मत करना। I love you too, आंटी। अनु, मैं आती हूँ। वेट मासी, आप मम्मी को भी साथ ले जाइए, मम्मी को थोड़ा चेंज मिलेगा। Actually, it's a good idea. चल अनु, वैसे भी मुझे कुछ 15-20 मिनट का काम है, उसके बाद हम दोनों आइसक्रीम खाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। जाइए ना मम्मी, जाइए। हाँ जा बेटा, जा घूम के आ थोड़ा। हाँ गोना मम्मी, मैं अपनी कोल्ड कॉफी खुद बना लूंगी। अरे पर वनराज के आने का टाइम हो गया है और उसे बहू के हाथ की चाय चाहिए होती है। लो आ गया वनराज। जा पानी लेकर आ। जा पानी लेकर आ। मैं दे देती हूँ। पापा, पापा आज मैं आपको अपने हाथ से कॉफी बना के पिलाऊंगी, आप बस मम्मी को देविका आंटी के साथ जाने की परमिशन दे दो। नहीं नहीं, वो स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल में एक इंस्पेक्शन है, मैं अपने मायके जाके न्योता दिया हूँ। देविका मैं तेरे साथ चलूंगी, मैं बस अभी कपड़े बदल के आई हूँ। पहले वनराज से तो पूछ ले। अब क्या हर एक की परमिशन लेनी पड़ेगी, हमने बोल तो दिया जाने के लिए, जा बेटा। अरे पर रात का खाना। ओ माड़ी रे बा, मैं रात तक यही रुकी हूँ, अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब काम हो जाएगा। मैं अभी आती हूँ। मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट करती हूँ। चल बेटा चल। हाँ बस निकल ही रही हूँ, पेपर साइन करवा दीजिए, आई विल बी देयर इन 15 मिनट्स। तुम मेरे घर आना बंद करो। ये तुम्हारे पिताजी का घर नहीं है, एक्चुअली तुम्हारे पिताजी का ही है, इसलिए जब तक वो मना नहीं करेंगे मैं यहाँ आती रहूंगी। ये एटीट्यूड ना किसी और को दिखाना, तुम जैसी औरतों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, खुद का घर तो टूट जाता है, फिर दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, फिर उनका घर तोड़ने में लग जाती है। फिर तो मुझ में और काव्य में कोई फर्क नहीं है, राइट? एक्चुअली फर्क है, मेरा डिवोर्स हो चुका है, उसका तो डिवोर्स भी नहीं हुआ और फिर भी दूसरे के हस्बैंड के साथ अफेयर शुरू है। इस हिसाब से मुझसे तो कहीं ज्यादा फास्ट है ना वो। औरतों पे जजमेंट पास करने से पहले खुद पर भी नजर डालिए मिस्टर शाह, शायद थोड़ी शर्म आ जाए।
चले देविका। श्योर? अनुपमा कहाँ जा रही हो? मैंने पूछा कहाँ जा रही हो? रात होने वाली है, तुम्हें पता है ना मुझे ये पसंद नहीं, और तुम चली जाओगी तो घर के काम कौन देखेगा, बाप बापूजी को कौन देखेगा? आंसर मी डैम इट, कहां जा रही और कब आओगी? मुझसे सवाल पूछने का हक आप खो चुके हैं। मेरे माँ बाप और मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। सॉरी, यहां क्या कर रही हो तुम? सॉरी अनुपमा, गेट आउट। और रही बात घर और परिवार की, तो मैं उन्हें संभालना चाहती हूं। मुझे जाना है तो जा रही हूं, जब आने का मन होगा आ जाऊंगी। यहाँ बैठे हुए कितनी देर हुई होगी? ज्यादा नहीं, 20 मिनट। 20 मिनट? मैं 20 मिनट से ऐसे खाली बैठी हूँ। इसे खाली बैठना नहीं कहते, इसे वाई आउट टी कहते हैं। क्या? योर ओन टाइम, अपने लिए टाइम निकालना। कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसे भी कुछ करूंगी। क्यों नहीं सोचा? कभी सोचने का भी समय नहीं मिला। चल घर चलते हैं। अरे बैठना, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के। और वैसे भी तुझे तेरे हस्बैंड को कौन सा जवाब देना? पत्नी यहाँ कितने भी देर बैठ सकती है, पर बहू के घर जाने का समय हो गया। चल। गई अपने घर किया था, थोड़ा और घूम लेती। बड़े पर निकल आए ना तुम्हारे, तुम्हारी उस सहेली की शय में बहुत उड़ने लगी हो तुम। मुझे आंखें दिखाने लगी हो। मत भूलो कि मेरे नाम की सिक्कट तुम्हें पहननी पड़ी अपने गले में। एक काम करो, जाओ अपनी उस सहेली के साथ रहो। इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है।
दरवाजा खोलिए। मैंने कहा दरवाजा खोलिए। ठीक है, अगर आप तमाशा चाहते हैं तो तमाशा आप ही का बनेगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। बोल मेरे यादव की दरार, क्या खबर है? अरे जीजा जी, वो तो हॉल में चलते, वहाँ पे टीवी है ना, वो चालू करके देखते तब पता चल जाएगा। हाँ सही कहा।